बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ TCL की एंड्रॉयड LED का, TCL एंड्रॉयड TV। 32 इंच का इसका साइज़ है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी प्राइस का भी डिस्कस करेंगे, इसको हम इस्तेमाल भी करेंगे, इसके फंक्शंस को भी देखेंगे इसमें, और ये भी देखेंगे इसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और कौन सी एप्लीकेशन इसके अंदर जो है कर सकते हैं, और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन हैं, इसकी वारंटी कितनी है और किस चीज़ की वारंटी है। मुकम्मल रिव्यू करेंगे इसका, हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे, इसको इस्तेमाल करके ऑन करके भी देखेंगे, और इसके अंदर हम स्क्रीन शेयरिंग और स्क्रीन मिररिंग या मेरा कास्ट वगैरह जो है वो भी हम करके देखेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या शर्तें होती है, कौन सी एप्लीकेशन हमें करनी पड़ती है, किस तरह से ये काम करेगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। लास्ट वीडियोस की तरह हम पहले इसके बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं कि उसके ऊपर हमें क्या चीज़ों ने क्या स्पेसिफिकेशन या क्या एहतियात वगैरह बताई हैं। बॉक्स के ऊपर जो सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा हुआ TCL, और उसके आगे उन्होंने बताया है कि इसके अंदर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं वो उन्होंने बताई हैं। उसमें सबसे पहले इनके है गूगल प्ले स्टोर, इसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, नेटफ्लिक्स उन्होंने दिया है, यूट्यूब दी है, ब्लूटूथ है, क्रोम कास्ट बिल्ट इन है इसके अंदर। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी, उसके बाद उन्होंने बताया है कि इसके अंदर HDR है और माइक्रो डेमिंग है, और साथ जो है इसका साइज़ का उन्होंने बताया है कि 32 इंच का इसका जो है वो साइज़ है। अब हम इसकी दूसरी साइड पर देख लेते हैं कि दूसरी साइड पर उन्होंने हमें इसका क्या बताया। इस साइड पर भी सबसे पहले जो है कंपनी का साइज लिखा हुआ है, मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। मॉडल नंबर इसके है जी मॉडल L32S5200, ये इसका मॉडल नंबर है। उसके नीचे इसका वोल्टेज, वेट और डायमेंशन वगैरह जो है ये चीज़ें लिखी हैं, सीरियल नंबर है, बारकोड वगैरह लिखा हुआ है, और नीचे जो है उसका उन्होंने हमें रेट भी बताया है, इसका रेट कितना है। रिटेल प्राइस इसकी है MRP 39,990 रुपये का, उन्होंने जो है हमें इसका रेट बताया हुआ कि इसका इतना रेट है। अगर हम इसको मार्केट से लेंगे तो मार्केट से हमें ये तकरीबन जो है 38,000 की जो है वो मिल जाएगी, 38,000 की हमें ये मार्केट से मिल जाएगी। और इसकी वारंटी की बात करें, वारंटी कार्ड हम इसका अभी ओपन करेंगे, इसके अंदर जो है इसके वारंटी कार्ड पे देखेंगे इसकी कितनी वारंटी बताई और वो किस चीज़ की जो है वारंटी उन्होंने हमें बताई हुई है। जी अनबॉक्सिंग हमने इसकी कर ली है, अब हम देख लेते हैं इसके अंदर से हमें जो है क्या क्या सामान मिला है। सबसे पहले हम देख रहे थे इसका ये हमें वॉल माउंट मिला है, जब हमने दीवार पे इंस्टॉल करने तो उसके अंदर जो है इसका वॉल माउंट दिया हुआ है, इसके अंदर मुकम्मल नट बोल्ट्स वगैरह इसके अंदर मुकम्मल दिए होते हैं कंपनी ने साथ ही। और ये जो वॉल माउंट है 32 इंच से लेकर 55 इंच तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं वॉल माउंट ब्रैकेट इसका। उसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर हमें ये पैकेट मिला, इस पैकेट के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ उन्होंने हमें दी हुई है। पैकेट के अंदर एक तो जिसका ये रिमोट है, वॉइस रिमोट है इसका ये, और उसके साथ जो है दो ये स्टैंड उन्होंने हमें दिए, अगर हमें LED को जो है टेबल पे सेट करना है तो उसके लिए ये दो स्टैंड इस्तेमाल हो, इसके लिए भी जो पेच इस्तेमाल होते हैं ये नट इस्तेमाल होते हैं वो भी कंपनी ने साथ इनके दिए हुए हैं।
उसके बाद ये दो सेल हैं रिमोट के, ये एक केबल दी होती है कंपनी ने साथ इसके। उसके बाद जो है जी, ये इसका है वारंटी कार्ड, प्रोडक्ट वारंटी कार्ड 2 साल की इसकी वारंटी उन्होंने बताई है हमें, पार्ट्स की और पैनल की, यानी कि मुकम्मल इसकी जो है वारंटी 2 साल की है। ये वारंटी सर्टिफिकेट उन्होंने यहाँ बताया 2 ईयर वारंटी है। और उसके बाद जो है ये बुकलेट है इसकी, इसका हम जो है एंड्रॉयड टीवी ऑपरेशनल मैनुअल या यूज़र मैनुअल वगैरह जो है कि उन्होंने बताया कि किस किस मॉडल में ये जो है यूज़ हो सकता है। ये सारे मॉडल्स भी उन्होंने हमें बताए हुए हैं कि कौन कौन से मॉडल में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एलईडी के अंदर जो पोर्ट्स दी होती हैं वो कौन सी पोर्ट्स किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिर हम इसको जो है दीवार पे इंस्टॉल करके उसके बाद इसको ऑन करेंगे, फिर इसके एप्लीकेशन भी चेक करेंगे, फिर हम इसको जो है मिरर कास्ट या स्क्रीन शेयरिंग वगैरह जो है वो कर कर भी देखेंगे इसको हम किस तरीके से वो कर सकते हैं, क्या चाहते हैं उसके लिए, कौन सी एप्लीकेशन उस चीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। इसकी पावर केबल है जी, और ये इसकी जो है पोर्ट्स दी हुई, यानी ये पोर्ट्स हम देख लेते हैं कि कौन सी पोर्ट्स जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहले नंबर पे ये उन्होंने बटन दिया इसकी पावर के लिए, यूएसबी की पिन दी हुई है, और ये इसके नेट वगैरह लगाने के लिए, ये इसकी केबल या एंटीना या डिश वगैरह के लिए दी हुई है। ये दो पोर्ट्स इसके अंदर HDMI की हैं, ये इसकी ऑडियो वीडियो की, और ये इसकी हम एक्सटर्नल वूफर के लिए लगा सकते हैं, हैंड फ्री वगैरह या वूफर वगैरह जो है वो हम लगा सकते हैं। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ दीवार पे, फिर मैं आपको इसके जो है फंक्शन वगैरह चेक कराता हूँ, एप्लीकेशन वगैरह जो है वो हम दिखाते हैं, इसके रिज़ल्ट भी हम देखेंगे कैसा रिज़ल्ट है इसका, और इस पर हम वीडियोज़ प्ले करके भी देखेंगे। अब मैं आपको बता दूँ इसका वॉल माउंट जो है वो हमने किस तरह से जो है वो इस पर फिट करना है, और किस तरह हमें इसको दीवार के साथ हमें लगाना है। ये वॉल माउंट होता है जी, जो हमने दीवार के साथ लगाना था, इसको हमने दीवार के साथ लगाना, इसी तरह जैसे ये LED पड़े इसी तरह हमने जो है दीवार के साथ लगा देना है। और उसके बाद जो ये दो ब्रैकेट्स इन्होंने दिए हमें, इनके ऊपर एरो का निशान बना, एरो का जो निशान है इसको हमने ऊपर वाली साइड पर रखना है इस तरीके से। ये उन्होंने दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हमने इसको जो है फिट करना है इस तरीके से, और ये जो दो पॉइंट्स है इनको हमने इस तरीके से इंस्टॉल करना है। ये इसके अंदर पेच दे जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसको फिट करने के लिए, और ये जो हमने दीवार पे लगाने इसके भी नट बोल्ट्स भी कंपनी ने इसके अंदर ही दिए हुए हैं। ये हमारा दीवार के साथ लगा हुआ है, ये हमने LED के साथ फिट कर देने हैं, तो जब ये दीवार के साथ लगा होगा तो इसको LED को उठा के हमने इसके अंदर हैंग कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से जो है LED हमारी दीवार पे हैंग हो जाएगी, बहुत ही इजी तरीके, आप खुद भी घर में जो है वो कर सकते हैं इसको। अब मैं इसको दीवार पे इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर जो है हम इसको ऑन करके देखते हैं और इसके डिस्प्ले चेक करते हैं। जी LED को हमने ऑन कर लिया है, ऑन करने के बाद कुछ सेटिंग्स होती हैं वो हम कर लेते हैं इसकी। इन सेटिंग्स के बाद जो है इनका हमने वाईफाई पासवर्ड देना होता है, वाईफाई की सेटिंग होती है वो हमने कर लेनी है इसके साथ। वाईफाई कनेक्ट हो चुका है हमारा, अब हमने गूगल अकाउंट देना है इस पर, जीमेल अकाउंट वो हम बाद में लॉगिन करेंगे, कुछ और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमने एक्सेप्ट कर ली हैं, लोकेशन को हमने नो कर दी है, और सेटिंग वगैरह वो हमने कर ली है इसकी। उसके बाद हमने इसकी सेटिंग कर ली है, इसको हमने कर दिया है फैमिली लिविंग रूम TV पर सेट। उसके बाद कुछ और इसके फीचर्स वगैरह हैं वो हम देख लेते हैं।
इसके बाद इसका एनवायरनमेंट सेट करना है हमने होम का या स्टोर का, तो हमने घर में इस्तेमाल कर तो इसका हम होम कर देंगे। उसके बाद हमारा कंट्री रीजन है वो हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया है, और उसके कुछ यूज़र एग्रीमेंट्स हैं वो हमने एग्री कर लिए हैं। सो टी सी एल अकाउंट का है, टी सी एल अकाउंट हमारे पास नहीं है तो हमने उसको स्किप कर दिया है। ये इसका होम पेज आ गया है, मेन पेज जिसे हम कहते हैं ये इसका होम पेज है। यहाँ पर इसकी सारी एप्लीकेशंस पर हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं। इसके अंदर टी चैनल के अंदर भी इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, हम इस पर यूट्यूब प्ले करके इसके कुछ वीडियोस वगैरह हम प्ले करके देख लेते हैं। इसको यूट्यूब को वाईफाई का कनेक्ट हमने कर दिया था, जिसका गूगल असिस्टेंट का पेयरिंग थी वो हमने कर दी है। और हम जो सर्च कर लेते हैं 92 इलेक्ट्रॉनिक्स, हम अपने चैनल को सर्च कर लेते हैं, उसके कुछ वीडियोज़ हम देखते हैं इस पर। ये हमारे चैनल की वीडियोस आ गई हैं, इस पर पड़ी हैं वीडियो, हम इसको जो है प्ले करके देख लेते हैं कोई भी वीडियोस। ये हमने इंडक्शन कुकर की वीडियो प्ले कर दी है इस पर, जो भी यूट्यूब पे आप वीडियो देखना चाहोगे आप आसानी से देख सकते हो। उसका वाईफाई आपका कनेक्ट होना चाहिए, आप इसको अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये हमने इस पर जो है इंस्टेंट वाटर हीटर की वीडियो प्ले की हुई है। इसी तरह हमने ये दूसरी भी इलेक्ट्रिक वाटर हीटर की जो है वो वीडियो प्ले की हुई है। अब हमने इसका प्ले स्टोर यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें जो गूगल पे अकाउंट जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा। मैगी कनेक्ट के नाम से एप्लीकेशन है जो टी सी एल एलईडी के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको हमने इंस्टॉल करना है एलईडी में, और हमने मोबाइल के अंदर भी वही एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से हमें मिल जाएगी, हमने वो इंस्टॉल करनी है। एलईडी में इंस्टॉल हो चुकी है, मैंने उसको ओपन कर लिया है। ये उसके कुछ फीचर्स वगैरह हैं, ये हमने उसको ऐप ऑन कर लिया है एलईडी पे, और मोबाइल भी मैंने ऑलरेडी कर रखी है, मैंने उसको भी जो है ऑन कर लिया है। अब मैं अपने मोबाइल से उस एप्लीकेशन के ज़रिए से एलईडी को कनेक्ट करूँगा। ये मेरे मोबाइल जो है एलईडी के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब मैं मोबाइल से कोई वीडियो प्ले करूँगा और वही जो है कास्ट करूँगा मैं एलईडी पर। ये मैंने वीडियो प्ले की है अपने मोबाइल पर, और ये कास्ट प्रो टीवी मैंने कर दिया है। अब यही जो है वीडियो है ये मेरी एलईडी पर चलना शुरू हो गई है। इसी तरह मैं कोई और वीडियो प्ले करके देखूंगा। ये दूसरी वीडियो मैंने प्ले किया है, ये भी आपके सामने जो है मेरी एलईडी पे प्ले होना शुरू हो गई है। इस एप्लीकेशन के जरिए इसके अंदर रिमोट होता है, जो आप रिमोट इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एलईडी के लिए, यानी कि अपने मोबाइल के रिमोट से आप एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं जिस फंक्शन को मोबाइल से काम कर रहा हूँ वही फंक्शन मेरा एलईडी पे ऑप्शन हो रहा है। एक कीपैड रिमोट होता है, दूसरा जो है टच वाला रिमोट होता है। ये दोनों मैंने आपके सामने देख लिया, दोनों पे वर्क करके देखा है मैंने, दोनों जो है इस पे वर्क करते हैं। जैसे जैसे मोबाइल में काम करता हूँ वैसे ही मेरी एलईडी पे काम हो रहा होता है। अब मैं वो पिक्चर्स की जो है कास्टिंग करके देख लेता हूँ, ये मैंने पिक्चर की कास्ट किया तो पिक्चर भी मेरी एलईडी पे शो होना शुरू हो गई है। हमने कास्टिंग की थी, अब हम मिररिंग करके देख लेते हैं। मिररिंग का ये होता है कि जो मोबाइल की स्क्रीन होती है वही स्क्रीन जो है मेरी एलईडी पे शो होना शुरू हो जाती है। ये मैंने एप्लीकेशन ऑन किया तो ये स्टार्ट नाउ का बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन मेरी मोबाइल की है वही स्क्रीन जो है एलईडी पे शो हो रही है। अब मैं जो जो काम मोबाइल पे करूँगा वही काम जो है एलईडी पे शो होता रहेगा। आप देख सकते हैं कि जो वीडियो मेरे मोबाइल पे प्ले है वही मेरी वीडियो जो है एलईडी पर भी प्ले हो चुकी है। इसको हम स्क्रीन मिररिंग कहते हैं। जो भी काम मैं मोबाइल पे करूँगा वही मेरी एलईडी पे शो होगा, कोई पिक्चर देखता हूँ वीडियो देखता हूँ जो भी काम करता हूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल 92 इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।